मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ। खाद्य तेलों की तेजी मंदी के बारे में क्या संभावनाएं बन सकती हैं? सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि खाद्य तेलों के भाव बड़े नहीं। गौरतलब है कि रसोई के बजट के अंदर खाद्य तेलों की तेजी मंदी से महंगाई पर सबसे अधिक असर देखा जा सकता है। एक तरफ सोयाबीन के भावों के अंदर, सरसों के भावों के अंदर और दूसरे खाद्य तेलों के अंदर बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। किसान हो या फिर कारोबारी या फिर मिल ऑनर्स, सभी के बीच में एक बहुत कंफ्यूजन और एक असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी है। सरकार ने एनजी वायदे कवर कारोबार के अंदर रोक लगा दी है, उसमें सोयाबीन, सोया मील और रिफाइंड ऑयल शामिल है। अब एक बड़ा प्रश्न किसानों के जहन में, कारोबारियों के जहन में, मिल ऑनर्स के जहन में निश्चित रूप से उभर रहा है कि अब क्या होगा। यदि हम कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लें, देश में इस समय रवी की सीजन की बुआई चालू है। गेहूं के साथ तमाम मोटे अनाजों की बुआई कम बताई जा रही है, जबकि इसका और सरसों एवं रायडा का रकबा अच्छा खासा बढ़ गया है। अभी साल 2022 तिलहन के उत्पादन के लिहाज से ये जोरदार रहने की उम्मीद बन रही है। सन 2020-21 के तेल तिलहन की तेजी से उम्मीद लगाए गए बैठे कारोबारी एवं किसानों को नया साल अब बड़ा सवाल है कि क्या निराश कर सकता है। रबी की फसल के अंदर सबसे ज्यादा सरसों के रकबे के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है, ये 22% से अधिक भी है। किसानों ने मोटे अनाज के ऊपर तिलहन की फसल की बुआई में अधिक रुचि दिखाई है। उसका मेन कारण पिछले एक साल के अंदर तिलहन के फसलों को जबरदस्त मुनाफा मिलना है और गौरतलब है कि किसानों ने सोयाबीन और सरसों को एमएसपी के ऊपर बिल्कुल बिकवाली नहीं की है सरकार को, क्योंकि एमएसपी से कई अच्छे दाम बाजारों में किसानों को मिले हैं और इसका उनको लाभ भी हुआ है। अब एक बड़ा सवाल यह भी आ रहा है कि खबर निकल के आ रही है कि साउथ अमेरिका में अच्छी बर्फबारिश के चलते सोयाबीन का उत्पादन जोरदार उतर सकता है और यदि वैश्विक सोयाबीन की सप्लाई में कुछ ये मददगार भी साबित हो सकता है। इसे अमेरिका के सोयाबीन के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन राष्ट्रीय तिलहन प्रसंस्करण संघ जो एनओपी है उसका कहना है कि नवंबर में सोयाबीन की पेराई अक्टूबर महीने के मुकाबले कमी देखने को मिली। नवंबर में सोयाबीन की पेराई 179.46 यानी 189.46 मिलियन बुशल देखने को मिली, जो कि अक्टूबर के मुकाबले लगभग 2.5% कम है। इसका असर सोयाबीन के बाजारों में सकारात्मक देखने को मिल सकता है। और यह भी खबर मिल रही है कि वायदा में सोयाबीन की कीमतों में अभी कुछ तेजी के जो आसार थे और हालांकि अभी सोयाबीन वायदा में 6000 से लेकर 6800 तक के सीमित दायरे में जो ट्रेडिंग चल रही है, और इस सप्ताह मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन के दामों में 100 से 150 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। एक और विशेष मैं बात करना चाहूंगा, यदि आज की भी यदि हम देखें तो आज यदि यूएस सोया ऑयल 53.16 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 1.86% की गिरावट पर, और एनसीडीएक्स रिफाइंड सोया 1145 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसमें लगभग 4% यानी 3.86% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। और यदि एनसीडीएक्स पर भी भाव देखें तो सोयाबीन के अंदर 150 रुपए की गिरावट के साथ 6130 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और सोया रिफाइंड 1145 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें भी लगभग 45 रुपए 20 पैसे की बड़ी गिरावट दर्ज हो गई है एनसीडीएक्स पर सोया ऑयल और सोयाबीन के वायदे की रोक के बाद। अब एक बड़ा प्रश्न और एक बड़ा सवाल हर कारोबारी व्यापारी या फिर किसान के साथ है कि वायदे से रोक लगाने से क्या आप सोयाबीन या खाद्य तेलों की तेजी या मंदी को कंट्रोल कर सकते हो, एक बड़ा प्रश्न है। इसका सीधा सीधा जवाब मेरे हिसाब से बनता है, जब आप लगभग 50 से 55%
निर्भर हैं विदेशी आयात पर, क्योंकि गौरतलब है भारत लगभग 45% से ही खाद्य तेलों का उत्पादन करता है, लगभग 50 से 55% इंपोर्ट किया जाता है, और सोयाबीन हो या फिर खाद्य सूरजमुखी हो या फिर पाम ऑयल हो, इसकी तेजी और मंदी का जो अनुमान है या कंट्रोल है वो विदेशों पे निर्भर है। किसी भी कीमत के ऊपर यदि विदेशी बाजारों के अंदर खाद्य तेलों में तेजी रहेगी तो भारत में उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक करेक्शन आयातक देश खाद्य तेलों में माना जाता है, या ऑयल चीन में सबसे बड़ा आयातक चीन माना जाता है। एक और बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, इस समय भारत के अंदर बहुत तेज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और उस एक सीमा से अधिक यदि ठंड पड़ जाती है तो इसका असर फसलों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और उधर अमेरिकन और अर्जेंटीना के अंदर भी मौसम के अंदर बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। ये मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको अग्रिम चेतावनी दे रहा हूं, अग्रिम आगाह कर रहा हूं, ऐसा सा कुछ हो सकता है। साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर हमने आपको अग्रिम सूचना, अग्रिम विश्लेषण फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी थी, और ये कहा था जुलाई के महीने में ही भारतीय मौसम विभाग के बरखिलाफ जाकर कि जुलाई और अगस्त के अंदर मौसम जो ये बरसात है साउथ वेस्ट मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की, ये सूखा जा सकता है, और अगस्त के महीने में 30% कम औसत से बरसात दर्ज हुई। और ये भी हमने कदम आगे बढ़ के कहा था सितंबर अक्टूबर तेज बरसात का रहेगा और औसत से अधिक बरसात होगी। गौरतलब है कि सितंबर माह के अंदर और अक्टूबर के अंदर 30% अधिक बरसात दर्ज हुई औसत से, और वो सबब बना फसलों के नुकसान का, चाहे वो प्याज हो, प्याज चार रुपए पांच रुपए किलो का प्याज यानी 400-500 रुपए क्विंटल का प्याज 3200 रुपए क्विंटल बिक गया 8 गुना तेजी में। कॉटन के अंदर लगभग 30 से 35% तेजी सितंबर और अक्टूबर महीने के अंदर नवंबर तक आ गई। सोयाबीन के अंदर भी 5000 रुपए का सोया 6800-6900 में बिका। तो ये सब मौसम के ऊपर भी निर्भर कर सकता है। कहा जाता है कि आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई कारोबारी हो या किसान हो, ये मौसम पर ही है। और मौसम अच्छा, फसलें शानदार, बुआई कितनी भी अच्छी करो यदि मौसम ने साथ नहीं दिया तो निश्चित मान लेना सारी तैयारी धरी की धरी रह सकती है। दोस्तों हम लगातार अपडेट देंगे, लगातार आपसे बात करेंगे, लगातार सोयाबीन हो चाहे सरसों हो चाहे चना हो इसके ऊपर लगातार बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, कहा जाता है ना कि ईश्वर के ऊपर भी देखो, ईश्वर की तरफ भी देखो, वही आपको बताएगा कि क्या होना है। तो लेकिन ये कुल मिला के ये मैं कह सकता हूं कि प्रयास सार्थक हो, महंगाई कम हो, मुद्रास्फीति कम हो, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन साथ साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, एमएसपी और एमआरपी के अंदर एमएसपी की कैलकुलेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का की कैलकुलेशन मैक्सिमम रिटेल प्राइस के आधार पर होनी चाहिए। यदि मैक्सिमम रिटेल रिपोर्ट या प्राइसिंग जो है वो तेजी की है तो उस हिसाब से एमएसपी में भी बढ़ोतरी और कटौती होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं सन 2022 के अंदर किसान निराश नहीं होंगे, ये मैं कह सकता हूं, ये मेरा आकलन है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।